हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई स्टडीज। आशा करूँ समस्ते भल ओ एंट्रेंस एग्जाम प्रिपेरेशन जोरसोर चलाइछ। आज क्लास रे आमे मैथ पेडागोजी डिस्कसन करवा। ओके, आज क्लास रे कौन डिस्कसन करवा ना तुम कंस्ट्रक्टिविज आउ अप्रोच आउ कौन तुम एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच ये दुटा आम डिस्कसन करवा, जोटा कि तुम कौन अच्छे ना यूनिट टू रे अच्छे। ठीक अच्छे, जो मैंने भी चैनल रे नुआ छ चैनल को सब्सक्राइब करदेव आउ ऑल नोटिफिकेशन ऑन करदेव, सच दैट कौन ना तुमको तुम आगे जितकी भी जेटी पे सब क्लासेस हम सबुर नोटिफिकेशन तुमन को पाकु ठीक टाइम रे पहुंचे। ओके, तो ये देखो जो मैंने आगो क्लास गुड़ाक कौन चैनल और प्लेलीस्ट को पढ़ेब से सब जिन तुमको सिस्टमेटिक वे मिल जाव। ठीक अच्छे, तो चलो फर्स्ट टी आम सिलेबस देखीदे आमर के कौन कभर हो गला आते कौन बाकी अच्छे। ओके, ये रहा तुम मैथ्र पेडागोजी सिलेबसटा, जस्ट ए सेकेंड, समस्त को विजिबल है ना। तो देखो तुम पेडागोजी 16 मार्क्स आसो समस्ते जान, तो आम यूनिट वन टाक आम टोटाली कम्प्लीट कर देते। तुम कौन ना मैथमेटिक्स एट अपर प्राइमरी स्टेज, से तुम नेचर ऑफ मैथमेटिक्स को पूरा डिस्कसन करछे। नेक्स्ट तुम एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स एटा भी हो जाएगी। नेक्स्ट तुम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव या भी कम्प्लीट कर देचे। नेक्स्ट आसला तुम यूनिट टू, यूनिट टू कौन यूनिट टू चलती है कौन अच्छे यूनिट टू तुम मेथड्स आउ एंड अप्रोचेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग मैथमेटिक्स। ओके, मेथड एंड अप्रोचेस आम इंडक्शन कम्प्लीट कर देचे, डिडक्शन कम्प्लीट कर देचे, एनालिसिस कम्प्लीट कर देचे, आउ सिंथेसिस कम्प्लीट कर देचे। आज क्लास में आम यूनिट टू टाक पूरा कम्प्लीट करदे। ओके, आज क्लास में पढ़ा कौन ना तुम अप्रोचेस कौन कौन अप्रोचेस ना तुम कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोचेस आउ गोटे कौन ना तुम एंड एक्टिविटी बेस्ड, या आज आम पूरा इन डिटेल्स डिस्कसन करवा। ठीक अच्छे, तो चलो फर्स्ट आसला कौन ना तुम कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। तो देख कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच कहले कौन वार्ड टू ही तुम टर्मिनोलोजीटा ही जापार। कंस्ट्रक्टिविस्ट मैंने कौन गोटे जिनस को तैयारी करवा, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच रे कौन होता है ना जो थे पाने निजर नलेजटा को निजे से कंस्ट्रक्ट करता, प्रायर नलेज को यूज करके जो न्यू नलेज से कंस्ट्रक्ट करता से ही मेथड बा से अप्रोचटा को ही तुम कौन कह जाए ना तुम कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोचेस। जमी कौन ना पियाजे, पियाजे जी कि तुम कौन ना कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोचेस को सपोर्ट करते कौन पाने निजर नलेज को निजे कंस्ट्रक्ट करेंगे। ओके, तो देख से डेफिनेशन टा लिखाई देख, कंस्ट्रक्टिविज्म इज एन अप्रोच इनटू लर्निंग इन व्हिच पीपल एक्टिवली कंस्ट्रक्ट और मेक देयर ओन नॉलेज। पीपल बा चिल्ड्रन से माने कोना निजर नॉलेज को निजे कंस्ट्रक्ट करथांती, सेटा हेगला तमर कोना कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। नेक्स्ट देखो तमर कोना एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच, एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच कहले कोन वर्ड गुडा नै सब आंसर अछि तमर। देखो एक्टिविटी माने कोन से माने निजर निजे करिकि सिखिबे, ता माने कोन तंगर किछि हैंड हैंड से माने बा तंगर हैंड ऑन एक्सपीरियंस हे कि से माने कोना गोटे जिंस को सिखिबे। कौन लिखाई छे देखो, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग फोकसेस यूज ऑफ सेंस ऑर्गन एंड लर्निंग शुड बी बेस्ड ऑन डूइंग सम हैंड ऑन एक्सपीरियंसेस एंड एक्टिविटी। ता माने कौन से माने निजे गोटे कामटा को करिके सिखबे, सेटा हेगला कौन तुम एक्टिविटी बेस्ड अप्रोचेस। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट कौन छे तुम देख, जस्ट ए सेकेंड। ओके, समस्त को बिजी बुरेला कौन अच्छे तुम देख, गोल्स ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच। तुम कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच जो टीचिंग एंड लर्निंग मैथमेटिक्स अच्छे तार गोल कौन कौन। ओके, फर्स्ट गोल, फर्स्ट लक्ष्य कौन आसला तुम देख, स्टूडेंट सुल डेवलप देयर ओन अर्थर पड़ी। ओके, स्टूडेंट सुल डेवलप देयर मैथमेटिकल स्ट्रक्चर दैट आर मोर कम्प्लेक्स abstract and powerful than one they currently possesses, so that okay so that gradually they will be able to solve a wide variety of meaningful problem. okay, तो देखो यहाँ तुमको कही दूसरी कौन तुम कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच शिखा द्वारा कौन तार मेन गोल कौन ना पाने कौन तर जो मैथमेटिकल स्ट्रक्चर तुम कौन बेस कम्प्लेक्स जिनस को करपर बेस मानने कौन तुम कौन बेस अब्सट्राक्ट जिनस को करपर कंक्रीट रूप से अब्सट्राक्ट जिनस को मुव करवा बेस पावरफुल थिंकिंग को बेस भाग कौन अधिक मैंने कौन अधिक कौन कम्प्लेक्स जिनस को अधिक कौन भाविपर तो से गुड़ा ही तुम कौन कंस्ट्रक्टिव अप्रोच द्वारा कौन तुम गोल्टा फुलफिल होता है, सो दैट कौन से जितने धीरे 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 धीरे, धीरे तंकर जो ग्राजुआली एज बड़ा हम सहित कौन से जो गोटे धर जो गोटे छुआ भितर तार गोटे मैथ को करार तार कम्प्लेक्स मैथ को करार तार अब्सट्राक्ट रिजनिंग जो इनक्रीज होती से कौन तार से वाइड रेंज अफ ये जो लिखाई ग्राजुआली दे विल एबल टू सल्व ए वाइड भेरिटी अफ मिनिंगफुल प्रोब्लेम। से केवल गोटे छोट दुटा केन्द्रित न होकि वाइड रेंज अफ प्रोब्लेम गुड़ाक सल्व करेंगे। यहाँ कौन तुम फर्स्ट गोल होगा तुम कौन ना
कन्स्ट्रक्टिविजम अप्रोच रो ओके नेक्स्ट नेक्स्ट कौन अच्छे तुम्हारा देख स्टूडेंट बिकम ऑटोनोमस एंड सेल्फ मोटिवेटेड इन देयर मैथमेटिकल एक्टिविटी पिला माने कौन ना से निजे कौन ना ऑटोनोमस माने कौन गोटे जिनसा जोटा जानवर इच्छा थी से कौन ना निजर नॉलेज को निजे कंस्ट्रक्ट करेंगे आउ कौन ना सेल्फ मोटिवेटेड सेल्फ मोटिवेशन तो बेस्ट जिनस किसी भी नहीं जदि सेल्फ मोटिवेटेड है कौन से जहाँ भी जिते भी बड़ प्रॉब्लम आसू से कौन कले बड़े कौशल जमीती सल्व करेंगे दिस इज अल्सो ए वन अफ द एम अफ कन्स्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच ओके सेकेंड गोल क्लीयर समस्ते नेक्स्ट थर्ड कौन दे तुम देख मैथमेटिक्स इज असेसमेंट मैथमेटिक्स इज असेसमेंट मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन व्हाट शुड बी ए नेचुरल पार्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेस रादर देन एन एक्टिविटी कंप्लीट द कंप्लीटेड एट द एंड ऑफ द लर्निंग प्रोसेस तो देखो ये कौन कही थर्ड नंबर गोलटा तुम असेसमेंट हो गला मेजरमेंट हो गला इवैल्यूएशन हो गला एगुडा तो तुम लर्निंग पार्ट रोटे गोटे इन जनरल लर्निंग पार्ट मैंने लर्निंग पार्ट अटंती बट जिते बड़े कौन आम जिते बड़े कौन एक्टिविटी करके पिलार जी धर जो गोटे जिनको शिखुचु तो से कौन लर्निंग टोटाली कंप्लीट होता है से गोटे जिनस को पूरा इन डिटेल्स पूरा इन डेप्थ भितर नलेज आए दिस आर ऑल इंपोर्टेंट गोल्स ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच क्लियर ना थर्ड नंबर गोल्टा क्लियर समस्ते नेक्स्ट नेक्स्ट मूव करुच्ची ओके नेक्स्ट नेक्स्ट कौन आसाना तुम जो कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच को बेस करी कौ कौ तुम टीचिंग मेथड्स कौ कौ टीचिंग अप्रोचेस गुड़ा अच्छे गोटे गला कौन ना लैबोरेटरी मेथड नेक्स्ट आसला तुम प्रोजेक्ट मेथड प्लेवे मेथड प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड आउ तुम कौ मेथड जीव ना तुम डिस्कवरी मेथड भी तुम कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच रे जीव ब्रेन स्ट्रोमिंग मेथड भी तुम कौन ना कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच रे जीव ओके एगुडा को एबे हमें गोटे गोटे इन डिटेल्स रे पढ़ा ओके फर्स्ट आसला तुम कौन ना लैबोरेटरी मेथड लैबोरेटरी मेथड कौन देख इन दिस मेथड द स्टूडेंट देमसेल्फ वेरीफाई द फैक्ट एंड लॉ ऑफ मैथमेटिक्स विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट तो देख थोड़ा जो आम गोटे छुआ मन को कौन ना कहीदेलु तो किसी भी गोटे लॉ किंबा किसी भी कौन से गोटे स्टेटमेंट मैथ्र कहीदेलु तो कहना से जिनसा को डायरेक्ट एक्सेप्ट न करी से कहना कौन डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करी तुम जो शिखे ताद्वारा कौन सब जहाँ भी तुम फैक्ट जहाँ भी अच्छे से तुम आसला केमती कौन है तार रिजनिंग तो कैपासीटी कौन इन मैंने डेवलप हे तो ये गला कौन तुम लैबोरेटरी मेथड ओके नेक्स्ट नेक्स्ट कौन तुम देख दिस मेथड इज बेस्ड ऑन मैक्सिमम लर्निंग बाय डुइंग एटा कौन तुम लर्निंग बाय डुइंग पाने निजे करके शिखि था तो ओब्वियसली कौन से निजर नलेज को निजे कंस्ट्रक्ट कले ओके नेक्स्ट नेक्स्ट कौन तुम देख दिस इज एन एक्टिविटी method and it leads the student to discover the mathematical fact to se mane dekho gote fact to tumhe gote jinso ko dhara je se mane mane gote jinso ko se mane prove kariya ko jaujanti to se prove kale se mane kon different different alga alga statement bhi use karbe statement for use kariya pore kon kichi kichi nua jinso bhi janibe jo guda se mane janna thanti aa jo guda janithanti tanko sei sei knowledge guda upare tankor kon na puni in depth re idea asi jai thae okay next next kon ache dekho e इन इट वी प्रोसीड फ्रॉम कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट तो तुम कौन ना लैबोरेटरी मेथड रे आमर कौन ना कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट आड़ को मूव कर था क्लियर समस्त लैबोरेटरी मेथड रे नेक्स्ट नेक्स्ट यार किसी इंपोर्टेंट ओके जस्ट अ सेकेंड ओके एवं देख कौन ना तुम लैबोरेटरी मेथड रिच्छे तुम इंपोर्टेंट स्टेप्स डिस्कसन करदे तागुरु देख ये तुम वेरी इंपोर्टेंट टी एमसीक्यू पर या मन रखी थी थे थे मे भी पचारे पचारिदारे सी ओके कौन ना तुम लैबोरेटरी मेथड रुम फाउंडर किए थे ना सिंपली तुम से लिख कौन ना लैबोरेटरी मेथड फाउंडर है जॉन ड्यूई लेटर किए पपुलाराइज अधिक कले डब्ल्यू एच किलपैट्रिक ओके जदि तुम कौन ना जॉन ड्यूई ऑप्शन में नथिबो तो सही केस रे तुम कौन ना डब्ल्यू एच किलपैट्रिक को टिक मारिक आस ओके से लिखाई देख ये पॉइंटा द फाउंडर ऑफ प्रोजेक्ट मेथड इन टीचिंग टीचिंग रे तुम किए तुम फाउंडर किए थे ना तुम यो टीचिंग यो प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग रे फाउंडर किए ना प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग रे फाउंडर हो गले जॉन ड्यूई ओके एंड वाज लेटर पॉपुलराइज बाय याकु परे किए अधिक पॉपुलराइज कले ना तुम डब्ल्यू एच किलपैट्रिक ये दुटा ना को तुम कौन ना लैबोरेटरी मेथड सहित एसोसिएटेड तो ये दुटा ना को भलसे मन रखी ओके नेक्स्ट नेक्स्ट कौन तुम स्टेप्स
ऑफ प्रोजेक्ट मेथड आमर जो प्रोजेक्ट मेथड रे पिला मन को पाठ पढेबा सेतिरे तमरो कोन कोन स्टेप्स इन्वॉल्व रहइबो कोन कोन फर्स्ट मेथड कोन आछला तमर फर्स्ट स्टेप कोन आछला तमर देखो सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट जोटा भी तमरो प्रोजेक्ट थिवो फर्स्ट ताकु सिलेक्शन कले ने तापर जे कि फर्दर प्रोसीड कराबो तो फर्स्ट स्टेप कोन हेगला ने तमरो सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट ओके नेक्स्ट नेक्स्ट कोन आछला तमरो प्रोजेक्ट तमन कर सिलेक्शन हेगला प्रोजेक्ट सिलेक्शन हेला परे कोन तार गोटे प्रॉपर प्लानिंग हेले जे कि तमरो प्रोजेक्ट रे कोन कोन दरकार कोन कोन नाही तो से गुडा तार तापे गोटे कोन प्रॉपर सुइटेबल प्लानिंग दरकार तो सेकंड स्टेप कोन आछला ने तमरो प्रॉपर प्लानिंग ओके नेक्स्ट प्लानिंग तो हेगला नेक्स्ट प्लानिंग हेगला डाटा कलेक्शन हेगला नेक्स्ट तुम कौन कौन एक्जिक्यूट करार अच्छे तो सीटें लिखा है तुम देख एक्जिक्यूटिंग द प्रोजेक्ट जोटा भी तुम प्रोजेक्ट थी कौन ना कार्यकारी करवा ओके एक्जिक्यूट तो करदेलु एक्जिक्यूट कलापर आमर के भूल अच्छे कि ठीक अच्छे से कमी जाना ना तार आम मूल्यांकन तार आम इवाल्युएसन कले जापर जदि आम जो भी प्रोजेक्ट को एक्जिक्यूट कलु से मे भी किसी समय ठीक होते किसी भूल भी थे तो कौन आम इवाल्युएसन द्वारा ही बेस जापर तो फोर्थ नंबर स्टेप कौन हो तुम इवाल्युएसन ओके नेक्स्ट इवाल्युएसन द्वारा जो सब जिन द्वारा जो तुम ठीक होगा जोटा प्रोजेक्ट थी आम सब जिन जी भी आम डाटा देचु जहाँ भी आम रिक्वयरमेंट थी सब पूरा सिस्टमेटिक वे आसगला तो कौन आम रेकर्डिंग कौन आम रेकर्ड करके रखा दिज आर अल इम्पोर्टाट स्टेप्स अफ प्रोजेक्ट मेथड तो देख ए तुम क्वेश्चन केमती आसता है तो देख ओटी जमी आसाला मे भी सेमती तुम क्वेश्चन से आसपे कौन तुम ये मैंने चार पाँचटा स्टेप देदेव एगुड़ा तुम गोटे सिस्टमेटिक वे लिख जोटा कि तुम प्रोजेक्ट मेथड पर सुइटेबल अटे ओके यहाँ क्वेश्चन गुड़ाक आई होप समस्त थोड़े ना थोड़े केवे ना के अटेम्प्ट कर तो तुम कौन हो स्टेप्स अफ प्रोजेक्ट मेथड में कौन कौन आसा फर्स्ट स्टेप हो गला तुम सिलेक्शन अफ प्रोजेक्ट सेकेंड स्टेप हो गला तुम प्रॉपर प्लानिंग थर्ड स्टेप हो गला तुम कौन ना एक्जिक्यूटिंग द प्रोजेक्ट नेक्स्ट फोर्थ स्टेप हो गला तुम कौन ना इवाल्युएसन आउ सबा लास्ट स्टेज हो गला कौन ना तुम रेकर्डिंग ओके ओके एति गुड़ा टीचिंग आप्रोचेस को आम गोटे गोटे इन डिटेल्स डिस्कसन करवा ठीक अच्छे तो फर्स्ट फर्स्ट कौटा आसा ना फर्स्ट आसा तुम कौन ना जस्ट ए सेकेंड फर्स्ट आसा तुम कौन ना लैबोरेटरी मेथड लैबोरेटरी मेथड में कौन होता है देख इन दिस मेथड द स्टूडेंट देमसेल्फ वेरीफाई दैट फैक्ट एंड लॉज ऑफ मैथमेटिक्स विथ द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट तो कौन ना लैबोरेटरी मेथड में कौन होता है ना पिला मन को धर जो कौन भी गोटे मैथमेटिकल फैक्ट को सीटा तुम केव में ट्रु अच्छे कि नहीं एक्सपेरिमेंट करते ही तुम कौन ना तुम देख एक्सपेरिमेंट में एक्सपेरिमेंट करवा द्वारा कौन होते हैं ना ओब्वियसली कौन ना क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो रीजनिंग कैपासीटी डेवलप हो आउ कौन से निजर नॉलेज को कंस्ट्रक्टिव वे से निजे बिल्ड करेंगे तो सही होगा तुम कौन ना लैबोरेटरी मेथड ओके नेक्स्ट नेक्स्ट कौन तुम देख दिस मेथड इज बेस्ड ऑन मैक्सिमम लर्निंग बाय डूइंग तो देखो इटा कौन सा तुम एक्टिविटी बेस्ड रे गला तो कौन पिला मैंने इतने कौन निजे करी सीखी था ओके नेक्स्ट नेक्स्ट कौन तुम देख दिस इज एन एक्टिविटी मेथड एंड इट लीड्स टू द स्टूडेंट डिस्कवर मैथमेटिकल फैक्ट ये कौन ना तुम डिफरेंट डिफरेंट नुआ नुआ कौन ना तुम मैथमेटिकल फैक्ट गुड़ाक डिस्कवर कर तुम कौन ना हेल्प करता है कौटा ना तुम लैबोरेटरी मेथड आउ कौन तुम देख लास्ट पॉइंटा इन इट वि प्रोसीड फ्रम कंक्रीट रू अब्स्ट्राक्ट को आम कौन सब मुव कर था पिला मैंने गोटे जिनस कंक्रीट जानी था मैंने कौन मैंने कंक्रीट जाना पर सीटा कौन तुम अब्स्ट्राक्ट आड़ को मुव करता है ओके नेक्स्ट नेक्स्ट मेथड कौन आसा ना तुम नेक्स्ट आसा तुम कौन ना प्रोजेक्ट मेथड तो देख प्रोजेक्ट मेथड में कौन होता है ना द प्रोजेक्ट मेथड एम्फासाइज द कनसेप्ट अफ लर्निंग बै डुईंग तो तुम प्रोजेक्ट मेथड में कौन ना पाने गोटे कामटा को निजे करीखी था तो से तुम कौन ना कन्स्ट्रक्टिविजम एप्रोच रंडर जीव तो कौन ना प्रोजेक्ट मेथड में पाने गोटे कामटा को कनसेप्टर लर्निंग से करी था ओके नेक्स्ट नेक्स्ट कौन तुम देख स्टूडेंट एक्टिवली गेट इनवॉल्व इन द लर्निंग एक्टिविटी हंस हेल्प देम इन एनहांसिंग देयर स्किल सेट फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस एंड थिंकिंग कैपेसिटी ओके नेक्स्ट नेक्स्ट कौन तुम देख इनकॉर्पोरेटिंग एक्टिव लर्निंग इन स्टूडेंट्स डेली लाइफ कैन बी क्वाइट हेल्पफुल इन द लॉन्ग रन ओके तो कहीदे देख तो कौन प्रोजेक्ट मेथड में प्रोजेक्ट मेथड में कौन होता है ना आमको ग्रुप रे हो कि इंडिविजुअल हो प्रोजेक्ट मेथड तुमको दिखाए आइदर तुम ग्रुप रे रहा ना इंडिविजुअली प्रोजेक्ट कर तो से जो प्रोजेक्ट बा प्रकल्प गुड़ाक कौन होता है ना तुम यहाँ करवा द्वारा कौन होता है ना पिलाने कौन से एक्टिवली कौन से गोटे प्रोजेक्ट दिगला तो से समस्त इनवल्वमेंट रोक करेक्ट तो से लिखा है देख स्टूडेंट एक्टिवली गेट इनवल्व इन द लर्निंग एक्टिविटी जो भी प्रोजेक्ट दिखाई से कौन ना एक्टिवली इनवल्व हे एक्टिवली इनवल्व हे द्वारा कौन होता है ना एक्टिवली इनवल्व हे द्वारा स्किल जहाँ भी तुम स्किल होगा रिजनिंग स्किल होगा क्रिटिकल थिंकिंग स्किल होगा स्किल सेट्र डेवलपमेंट होता है आउ कौन होता है ना तुम फर्स्ट
हैंड एक्सपीरियंसेस तमाने कौन पिला मने सेरा को निजे जेहतु से मने करी किसी की थांती ता द्वारा कौन तंगरो हैंड ऑन एक्सपीरियंस भी है थाई आ कौन तंगरो थिंकिंग कैपेसिटी मध्य इंक्रीज है थाई ओके तो ता नेक्स्ट नेक्स्ट कौन चीज तमर देखो इनकॉर्पोरेटिंग एक्टिव लर्निंग इन द स्टूडेंट्स डेली लाइफ कैन बी क्वाइट हेल्पफुल इन द लॉन्ग रन तो कौन ये जो तुम जो गोटे देख तुम प्रोजेक्ट मेथड द्वारा भितर गोटे छुआ भितर कौन कौन क्वालिटी इनकल्केट हो पारे ना तार कोऑपरेशन से देख कर आउ कौन जी तर स्किल सेट भितर देखा गले कोऑपरेशन हो पाला से कौन तार क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हे तार रिजनिंग कैपासीटी डेवलप हम आउ कौन कौन तार मानने से देख गोटे जिनको सकट गोटे जिनको आम निजे करके शिखुचे तो मैंने सहजे भूलवा भी नहीं तो तार हैंड ऑन एक्सपीरियंस भी अधिक हम जो कि दक्षता को कौन इन फ्यूचर बहुत हेल्पफुल रहा है तुम कौन प्रोजेक्ट मेथड ओके नेक्स्ट प्रोजेक्ट मेथड रो किसी इंपोर्टेंट पॉइंट्स गुड़ा टिके मन रखी थी समस्ते कौन अच्छी तुम देख दिस इज इंपोर्टेंट वन या समस्त नोट डाउन करनियो कौन अच्छी तुम देख द फाउंडर ऑफ प्रोजेक्ट मेथड इन टीचिंग जॉन डीवी एंड वाज लेटर पॉपुलराइज बाय डब्ल्यू एच किलपैट्रिक तमें कौन हो तुम देख तुम जब क्वेश्चन में पचारे कौन तुम प्रोजेक्ट मेथड फाउंडर किए थे तो सिंपली तुम से टिक कौन मार ना जॉन डीवी जदि तुम जॉन डीवी ऑप्शन में ना तेज से केस तुम डब्ल्यू एच किलपैट्रिक मारिपर ओके तो तार फाउंडर जो तुम प्रोजेक्ट मेथड थी प्रोजेक्ट मेथड फाउंडर हो गले जॉन डीवी लेटर तक अधिक पॉपुलराइज अधिक प्रसिद्धि किए थे ना डब्ल्यू एच किलपैट्रिक ओके ये दुटा ना तुम कौ मेथड सहित एसोसिएटेड ना तुम प्रोजेक्ट मेथड सहित एसोसिएटेड ओके तो तुम प्रोजेक्ट मेथड किसी इंपोर्टेंट स्टेप्स भी डिस्कसन करदे तुम स्टेप्स गुड़ाक भी एग्जाम पकाऊँ स्टेप्स गुड़ाक तुम क्वेश्चन केमती अच्छे देख एगुड़ा तुम जमी वन पर वन टू थ्री फोर फाइव एमती सिस्टमेटिक वे अच्छी तो से कौन करना वन पर फाइव देदेव फोर देदेव देन टू देदेव थ्री देदेव से तुमको क्वेश्चन कह या गोटे तुम प्रोजेक्ट मेथड में जो डेफिनेट स्टेप गुड़ा अच्छी से अकॉर्डिंगली अरेंज करो ओके से भाया तुम ये स्टेप्स रु क्वेश्चन आसी थाए ओके तो देख स्टेप्स डिफरेंट डिफरेंट स्टेप फर्स्ट स्टेप कौन आसाना तुम सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट तो आम कौट प्रोजेक्ट जो गोटे मैंने कौन करवा तो सीटा को फास्ट आमको सिलेक्शन करवाक हम सिलेक्शन कलापर तुम प्रॉपर प्लानिंग दरकार कौन कौन टा तुम प्रोजेक्ट पर जोटा तुम प्रोजेक्ट टॉपिक अच्छी तापाई कौ कौ तुम इनफर्मेशन नेसेसरी कौटा तुम अननेसेसरी इनफर्मेशन कौटा तुम एक्स्ट्रा इनफर्मेशन तो सब गुड़ा तुम ताप गोटे प्रॉपर सिस्टमेटिक प्लानिंग दरकार तो सेकेंड स्टेप कौन हो तुम प्लानिंग नेक्स्ट नेक्स्ट कौन आसाना तुम प्लानिंग होगा तुम पाखे सब डाटा भी कलेक्ट हो गला नेक्स्ट ताको कौन कार्य करवा एक्जिक्यूट करार अच्छे तो सही थर्ड स्टेप कौन आसाना ना तुम एक्जिक्यूटिंग द प्रोजेक्ट तो कौन प्रोजेक्ट को एक्जिक्यूट करवा एक्जिक्यूट बा कार्यकारी तो करदेल कार्यकारी जो करूँ से ठीक है केते भूल है आम से कौटू जाणवा ना आम जब तरह मूल्यांकन तरह इवालुएसन जब करवा देन ओनली आम जापरिया तो फोर्थ नंबर स्टेप कौन हो गला तुम इवालुएसन ओके नेक्स्ट इवालुएसन लेट सपोज कौटी जब भूल होता है तो सर तो पुणी आउ थे चलो प्रोसीजर बट तुम जोटा भी आम जहाँ भी सब जिन सब जिन ठीक आसला तो कौना रेकर्ड करके रखा सो देट कौन तुम नेक्स्ट जो नुआ प्रोजेक्ट जहाँ भी दिहब ताटा कौन गोटे प्रायर नलेज भाव में कम कर कौन सेटा को आमको अधिक आहरी मैंने कौन हेल्पफुल हम नेक्स्ट तुम अपर हायर लेवल प्रोजेक्ट करने तो ऑल दिस आर द स्टेप्स ऑफ प्रोजेक्ट मेथड तो तुम कौन हो प्रोजेक्ट मेथड पांचटा स्टेप फर्स्ट स्टेप कौन हो तुम सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट नेक्स्ट सेकेंड स्टेप हो गला प्रॉपर प्लानिंग थर्ड स्टेप हो गला तुम एक्जिक्यूटिंग द प्रोजेक्ट फोर्थ स्टेप हो गला तुम इवालुएसन आउ सब लास्ट स्टेज हो गला कौन तुम रेकर्डिंग क्लीयर बुझा पड़ा ये स्टेप गुड़ाक भी समस्त टी मन रखी थोड़ा तुम कौन सब रिगार्डिंग होगा कह रहा तुम प्रोजेक्ट मेथड ओके नेक्स्ट मेथड कौन अच्छी तुम देखा नेक्स्ट मेथड आसला जस्ट ए सेकेंड नेक्स्ट मेथड आसला तुम कौन प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड को टी डिस्कशन करदे तुम प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड द्वारा भी गोटे छुआ तार निजर नॉलेज को निजे कंस्ट्रक्ट करता है तो यहाँ भी तुम कौन कंस्ट्रक्टिव अप्रोच अंडर में आसीबो ओके कौन अच्छी तुम देख प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड इज डिफाइंड एज प्लांड अटैक अपन ए डिफिकल्टी फॉर द पर्पज ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशन तो प्रॉब्लम सॉल्विंग व्हाट आई नो जान पर छ माने गोटे किछ गोटे प्रॉब्लम टे अछि से प्रॉब्लम टे रो आमे सॉल्यूशन काढिबा तो सेटे हि गला तमरो कना प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड नेक्स्ट कोन छ तमरो देखो दिस इन्वॉल्व्स रिफ्लेक्टिव थिंकिंग फॉर द पर्पज ऑफ अराइविंग रेशनल कंक्लूजन रिलेवेंट टू द प्रॉब्लम तो देखो आमे धरे जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड गोटे जि गोटे माने कोनसी मैथमेटिकल प्रॉब्लम टे को जदि आमे सॉल्व करिया को चाहौ छ तो ता पई कना आमे को गोटे
କ'ଣ ରିଫ୍ଲେକ୍ସିଭ୍ ଥିଙ୍କିଂ କରିବାର ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି କ'ଣ ତୁମର ଯେଉଁଟା ତୁମର ମାନେ ଯେଉଁଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ର ଗୋଟେ ପରଫେକ୍ଟ ତାର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବାହାରିବ। ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିବ ଆଉ ଗୋଟେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଦେଲେ ତ ହେବନି, ତ ସେଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ ରିଲିଭାଣ୍ଟ ରିଲିଭାଣ୍ଟ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଦିଆହେବ, ମାନେ କ'ଣ ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ତା ପାଇଁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇ ସଲ୍ୟୁସନ୍ଟା। ଓକେ ସେଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ ଦିସ୍ ଇନଭଲ୍ଭସ୍ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟିଭ୍ ଥିଙ୍କିଂ ଫର୍ ଦ ପର୍ପୋଜ୍ ଅଫ୍ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟିଭ୍ ଥିଙ୍କିଂ ମାନେ ତୁମର କ'ଣ ଅଧିକ ମାନେ କ'ଣ ଉଚ୍ଚଶୀଳ ମାନେ କ'ଣ କ୍ରିଟିକାଲ୍ ଥିଙ୍କିଂ ବା ତୁମର କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଥିଙ୍କିଂ। ଓକେ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟିଭ୍ ଥିଙ୍କିଂ ଫର୍ ଦ ପର୍ପୋଜ୍ ଅଫ୍ ଏରାଇଭିଂ ରେସନାଲ୍ କନ୍କ୍ଲୁଜନ୍ ରିଲିଭେଣ୍ଟ ଟୁ ଦ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ଦିସ୍ ଆର୍ ଅଲ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ, ଏଇଟା ଆସିଲା ତୁମର କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭିଂ ମେଥଡ଼ର। ଓକେ ନେକ୍ସଟ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଅଛି ତୁମର ଦେଖ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ୱାନ୍, ସବୁଠୁ ଅଧିକ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ପଚାରିଥାଏ ତୁମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭିଂ ମେଥଡ଼ର ଷ୍ଟେପ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଷ୍ଟେପ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ବସ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ସାତଟା ଷ୍ଟେପ୍ ଅଛି ସାତଟା ଷ୍ଟେପ୍କୁ ବସ୍ ଟିକେ ମନେ ରଖିଦେଇଥାଉ। ଯେତିକି ଗୁଡ଼ା ତୁମର କ'ଣ ରେଡ୍ କଲର୍ରେ ଲେଖାହେଇଛି ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରାହେଇଛି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଟିକେ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରିଦିଅ। ବାସ୍ ତାର ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ଟା ଲେଖିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ବାସ୍ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ବୋଲି ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି। ଓକେ କ'ଣ ଆସିଲା ନା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ୱାନ୍ ତୁମର ଷ୍ଟେପ୍ସ ଅଫ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭିଂ ମେଥଡ଼। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ କ'ଣ ହେଇଗଲା, ଯେଉଁଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ଆମେ ଚିହ୍ନିବା ନା ଏଇଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବୋଲି, ତେବେ ନା ତାର ସଲ୍ୟୁସନ୍ କାଢ଼ିବା। ଆମେ ଯଦି ଜାଣିପାରିବାନି ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି, ଆମେ ତାର ସଲ୍ୟୁସନ୍ କେମିତି କାଢ଼ିପାରିବା। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ କ'ଣ ଆସିଲା ନା ତୁମର ରେକଗ୍ନାଇଜିଂ ଦ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ଓକେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଏନ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ସେନ୍ସ ଦ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ୍ ଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଏଣ୍ଡ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ଦ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ତ କ'ଣ ହେଇଗଲା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମକୁ ନିଜକୁ ମାନେ ଅନୁଭବ କରିବାର ଅଛି ଯେ ନାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ବୋଲି। ତ ସେଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ କ'ଣ ହେଇଗଲା ନା ତୁମର ରେକଗ୍ନାଇଜିଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ଓକେ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେପ୍, ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଜ୍ କ'ଣ ଆସିଲା ନା ତୁମର ଷ୍ଟେଜ୍ ନମ୍ବର ଟୁରେ ଆସିଲା ତୁମର ଡିଫାଇନିଂ ଦ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟାକୁ ଆମେ ଡିଫାଇନ୍ କରିବା କ'ଣ ଅଛି ତୁମର ଦେଖ ଦେନ୍ ୱାନ୍ ମଷ୍ଟ ବି କ୍ଲିୟର ଏଜ୍ ଟୁ ହ୍ୱାଟ୍ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଟୁ ବି ଡନ୍ ଦ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଜ୍ ଟୁ ବି ଡିଲିମିଟେଡ୍। ଓକେ ତା ମାନେ କ'ଣ, ତୁମର ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା କ'ଣ ଅଛି ଆଉ ତାର ସଲ୍ୟୁସନ୍ କେଉଁ କେଉଁ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଗଲେ ଆମେ ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟାର ସଲ୍ୟୁସନ୍ କାଢ଼ିବା। ଓକେ ନେକ୍ସଟ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ତୁମର ଡିଫାଇନିଂ ଦ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ନେକ୍ସଟ ଥାର୍ଡ ନମ୍ବର ଷ୍ଟେଜ୍ କ'ଣ ଆସିଲା ନା ତୁମର କଲେକ୍ଟିଂ ରିଲିଭେଣ୍ଟ ଡାଟା। କ'ଣ ଅଛି ତୁମର ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ଅଲ୍ ସର୍ଟ ଅଫ୍ ରିଲିଭେଣ୍ଟ ଡାଟା ଦେଟ୍ ଆର୍ ବି ରିକଲ୍ଡ ହ୍ୱାଟ୍ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଟୁ ସଲ୍ଭ ଦ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ତ କ'ଣ ନା ରିଲିଭେଣ୍ଟ ଡାଟା ମାନେ ଧର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରିଗାର୍ଡିଂ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଇପାରିବ ତାକୁ କଲେକ୍ଟ କରିବା। ତ ସେଇଟା ଆସିଗଲା ତୁମର କ'ଣ ନା ରିଲିଭେଣ୍ଟ ଡାଟା। ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ଇରିଲିଭେଣ୍ଟ ଆଉ ରିଲିଭେଣ୍ଟ ୱାର୍ଡ ଦୁଇଟାର ଡିଫରେନ୍ସ ଜାଣିପାରୁଥିବ ଆଇ ହୋପ୍। ରିଲିଭେଣ୍ଟ ମାନେ ଯେଉଁଟା ତୁମର ତା ସହିତ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା ଅଛି ତାର ତ ଆଉ ଗୋଟେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ କାଢ଼ିବନି, ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ର ସେଇ ସଲ୍ୟୁସନ୍। ଓକେ ତ ସେଇଟା ଲେଖା ହେଲା ତୁମର କ'ଣ ନା କଲେକ୍ଟିଂ ରିଲିଭେଣ୍ଟ ଡାଟା। ନେକ୍ସଟ ନେକ୍ସଟ ଫୋର୍ଥ ନମ୍ବର କ'ଣ ଆସିଲା ନା ତୁମର ଅର୍ଗାନାଇଜିଂ ଡାଟା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଡାଟା ଗୁଡ଼ାକୁ ହାପାଜେଟ୍ଲି କଲେକ୍ଟ କରିଦେଲେ, କଲେକ୍ଟ କଲା ପରେ ତାକୁ କ'ଣ ଆମେ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିବା, କେଉଁଟା ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ଦରକାର, କେଉଁଟା ସେକେଣ୍ଡରେ ଦରକାର, କେଉଁଟା ଥାର୍ଡ଼ରେ ଦରକାର, କେଉଁଟା ଲାଷ୍ଟରେ ଦରକାର, ତାକୁ କ'ଣ ନା ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରାହେବ। ତ ନେକ୍ସଟ ଫୋର୍ଥ ଷ୍ଟେପ୍ କ'ଣ ଆସିଲା ନା ତୁମର ଅର୍ଗାନାଇଜିଂ ଡାଟା। କ'ଣ ଅଛି ତୁମର ଦେଖ ଦେନ୍ ଦ ଡାଟା ଇଜ୍ ଟୁ ବି ସୋ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ଦେଟ୍ ଇଟ୍ ଲିଡ୍ ଟୁ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଦ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ତ ଆମେ ଗୋଟେ ଡାଟାଟା ଯେଉଁଟା ଆମର ମାନେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଡାଟା ଗୁଡ଼ା ଆମେ କଲେକ୍ଟ କରୁଛୁ ସେଗୁଡ଼ା ଆମର ଯଦି ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ୱେରେ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିଦେବା ସେଇଟା ହିଁ ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଆଡ଼କୁ ଆମକୁ ବାଟ ଦେଖାଇବ। ତ ଫୋର୍ଥ ଷ୍ଟେଜ୍ କ'ଣ ହେଇଗଲା ନା ତୁମର ଅର୍ଗାନାଇଜିଂ ଡାଟା। ନେକ୍ସଟ ଫିଫ୍ଥ ନମ୍ବର ଷ୍ଟେଜ୍ କ'ଣ ଆସିଲା ନା ତୁମର ଫର୍ମୁଲେଟିଂ ଦ ଟେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍। ଡାଟା ହେଇଗଲା, ଡାଟାକୁ ଆମେ ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ୱେରେ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିଦେଲେ, ତ ସେଇ ଭିତରୁ କେଉଁ କେଉଁ ଗୁଡ଼ା ମାନେ ପସିବୁଲ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ହେବ ତାକୁ କ'ଣ ନା ଫର୍ମୁଲେଟ୍ କରିବା। ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇଟା ଦେଖ ଅନ୍ ଦ ବେସିସ୍ ଅଫ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ଡାଟା ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଫର୍ମୁଲେଟ୍ ଦ ଟେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ତ କ'ଣ ନା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ନା ତାର ଟେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ କାଢ଼ିବେ। ନେକ୍ସଟ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଆସିଲା ନା ତୁମର ସିକ୍ସ ନମ୍ବର ଷ୍ଟେଜ୍ କ'ଣ ଅଛି ନା ତୁମର ଏରାଇଭିଂ ଏଟ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ସଲ୍ୟୁସନ୍। ତ ଟେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ରେ ତୁମର ଚାରି ପାଞ୍ଚଟା ସଲ୍ୟୁସନ୍ସ ଆସିବ, ସେ ଭିତରୁ ତୁମର ଯେଉଁଟା ମୋଷ୍ଟ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ବା କରେକ୍ଟ ସଲ୍ୟୁସନ୍ରେ ପିଲାମାନେ ପହଞ୍ଚିବେ। କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ଟେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଏ କରେକ୍ଟ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଇଜ୍ ଫାଉଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ ବାଇ ଏ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ ରିଜନିଂ। ତ କ'ଣ ନା ଆମେ ଯେଉଁ ବି ସଲ୍ୟୁସନ୍ଟା ଦେଉଛୁ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଡେଫିନେଟ୍ ତର୍କ ଥିବାର ଅଛି ଯେ ନା ମୁଁ ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ବା ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟାର ଆନ୍ସର୍ ଏଇଟା ଏଇ କାରଣ ପାଇଁ ଦେଉଛି। ଯାହା ବି ତୁମର ରିଜନ୍ ଥିବ ତାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ନା ପିଲାମାନଙ୍କର ରିଜନିଂ କାପାସିଟି ବା ତୁମର କ୍ରିଟିକାଲ୍ ଥିଙ୍କିଂ କାପାସିଟି ବି ତୁମର କ'ଣ ନା ଡେଭଲପ୍ ହେଇଥାଏ। ଓକେ ସବାଲା ଷ୍ଟେଜ୍ କ'ଣ ଆସିଲା, ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ର ସଲ୍ୟୁସନ୍ରେ ତ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ତ ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟାର ସଲ୍ୟୁସନ୍ଟା ତୁମର ରେଜଲ୍ଟଟା ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ। ତ ତୁମର ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ କ'ଣ ଆସିଲା ନା ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ ହେଇଗଲା ତୁମର କ'ଣ ନା ଭେରିଫାଇଂ ଦ ରେଜଲ୍ଟ। କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ ଇନ୍ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ୱାନ୍ ଡଜ୍ ନଟ୍ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ଏ କନ୍କ୍ଲୁଜନ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ପ୍ରପର୍ ଭେରିଫିକେସନ୍। ୱିଦାଉଟ୍ ପ୍ରପର୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ରେ କିଛି ବି ଜିନିଷ ଯାହା ବି ଆସିଲା ସେ କନ୍କ୍ଲୁଜନ୍ଟାକୁ ତୁମେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିନଥାଉ। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଅଛି ତୁମର ଦେଖ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆର୍ ରିକ୍ୱାର୍ ଟୁ ଭେରିଫାଇ ଦ କନ୍କ୍ଲୁଜନ୍ ବାଇ ରିଭାଇଜିଂ ଦ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ ରିଜନିଂ। ଓକେ ସେଇଭଳିଆ ତୁମର କ'ଣ ଯଦି ଠିକ୍ ହେଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ଠିକ୍ ହେଲା, କାହିଁକି ଠିକ୍ ହେଲା, କେମିତି ଠିକ୍ ହେଲା, ସବୁ ଜିନିଷର କ'ଣ
करके ताकु रिजल्ट को वेरीफाई करा हबो। दिस आर ऑल इंपोर्टेंट स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। तो तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड रो स्टेप्स रे कौन कौन गला, फर्स्ट आसला कौन ना तुम्हारा रिकॉग्नाइजिंग द प्रॉब्लम, नेक्स्ट आसला तुम्हारा कौन ना डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, थर्ड रे आसला तुम्हारा कलेक्टिंग रिलेवेंट डाटा, फोर्थ रे आसला तुम्हारा ऑर्गेनाइजिंग द डाटा, फिफ्थ नंबर आसला तुम्हारा कौन ना फॉर्मुलेटिंग द टेंटेटिव सॉल्यूशन, सिक्स नंबर आसला अराइविंग एट द करेक्ट सॉल्यूशन, आउ लास्ट को आसला तुम्हारा कौन ना वेरीफाइंग द रिजल्ट, ओके बा वेरिफिकेशन, ओके। दिस आर ऑल इंपोर्टेंट स्टेप्स ऑफ कौन ना तुम प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। एथ्रु तुम बहुत क्वेश्चन आसता है, तो या समस्त सब स्टेप गुड़ाक भल से मन रखी थी। से एग्जाम सिंपली कौन कैसे सतटा स्टेप तो ऑप्शन में देवनी, से कौन कर तुम देख जो धर जो फर्स्ट ऑप्शन दे देला, थर्ड ऑप्शन दे देला, सिक्सटा दे देला, सेवेनटा दे देला, ताकू पुरी से करिकिना से मैंने कोना एपोर्ट सपोर्ट करिकिना ऑप्शंस तैयारी कर दबो, ओके। तो ए ऑल दिस आर द इंपोर्टेंट स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट कौन अच्छी तुम देख, नेक्स्ट आसला तुम जस्ट सेकेंड, ओके यहाँ भी टी समे मन रखी थाओ। तुम एक्सर जेटा को स्पेसीफिक मेंशन नहीं, बट तुम जो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच जो वार्डटा लिखी देती ना अंडर भी तुम कौन ना फाइव बी अप्रोचेसटा जीव, ओके। तो तुम देख कौन ना फाइव बी अप्रोचेस, सिंपली ए किसी भी मन रखा ना, बस तुम ये अप्रोचेसटा को किए इंट्रोड्यूस करते आ पांचटा इ, पांचटा इ जो मन रखा हाफाजेटली मन रखनी पूरा सिक्वेन्सीआली वन टू फाइव जाए तुम पूरा सिक्वेन्सीआली मन रख। तो कौन आसाना ना तुम फाइव इ अप्रोचेस, तो कौन ना फाइव इ अप्रोचेस यू तुम इंट्रोड्यूस किए करते ना रगर बैबी या कोना तुम इंट्रोड्यूस करते। तो कौन आसा से लिखाई देख फर्स्ट पॉइंटा द अप्रोच द फाइव बी, मैंने तुम ये फाइव बी अप्रोचा व्वाज इंट्रोड्यूस बै रगर बैबी, ओके। तो तुम जो ये पांचटा स्टेप, पांचटा स्टेप गुड़ार ना गुड़ाक मन रखी था आउ कौ स्टेप्रे कौटा हूँ तुम वार्ड रू ही तुम स्टेप रू ही जाणी हो कि असुविधा नहीं। तो सिंपली तुमकोपाई काम रहा कौन ना फाइव इ गुड़ाक तुम जो पांचटा इ अच्छी सिक्वेन्सीआली वन रू फाइव जाए लिखे आउ सब गुड़ा सिक्वेन्सीआली मन रखा हाफाजेटली मन रखी, ओके। तो तुम पांचटा इ भितर फर्स्ट कौन आसा, फर्स्ट इ आसा तुम एनगेज, नेक्स्ट नेक्स्ट इ आसा कौन तुम एक्सप्लोर, नेक्स्ट तीन नंबर इ कौन आसा ना तुम एक्सप्लेन, चारि नंबर इ कौन आसा ना तुम एलाबोरेट, आउ पांच नंबर इ कौन आसा ना तुम इवालुएशन, ओके। तो देख एगुड़ा मुझे बस टिके टिके तुम एनगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, एलाबोरेट, इवालुएशन यार माने गुड़ा बस कहीदे समस्ते बस मन दे देखिए शुण कौन अच्छे ना फर्स्ट आसा तुम कौन ना एनगेज, एनगेज रू कौन ना एनगेज मैंने तुम नियोजित करवा कौन जना पड़ी ना जिते बड़े भी आम कौन ना पिला कौन ना कन्स्ट्रक्टिव जी आम गोटे मैंने कौन ना जो मैंने कौन ना तुम लर्निंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेसटा जो आम कन्स्ट्रक्टिविस्ट करवाई चाहूँ तो फास्ट कौन करवा ना पिला पाठ पढ़ार एनगेज करवाक हम तो कौन ना एनगेज करवाई आम डिफरेन्ट डिफरेन्ट प्रायर नलेज के टेस्ट करार हम प्रायर नलेज सहित आम जो जिनको पढ़ेक चाहूँ कमी कनेक्ट कराव तो सब जिन तुम कौन ना एनगेज स्टेज जीव। तो एनगेज स्टेज कौन ना सिंपली तुम क्यूआर्ड कौन रहा है तुम प्रायर नलेज टेस्टिंग कौन हम ना तुम एनगेज स्टेज रे, ओके। एनगेज कलापर कौन आसो ना तुम एक्सप्लोर, सेकेंड स्टेज रे कौन आसा ना तुम एक्सप्लोर, एक्सप्लोर रे कौन जो भी नुआ पाठ थी तार किसी बेसिक देखना पिला एक्सप्लोर अन्वेषण करने को कह आसा तुम कौन ना एक्सप्लोर, ओके। नेक्स्ट थर्ड स्टेप कौन आसा ना तुम एक्सप्लेन, एक्सप्लेन कौन ना पिलाने जो सेकेंड स्टेज, सेकेंड स्टेजा कौन था तुम एक्सप्लोर में जो से एक्सप्लोर करते निजे निजे जहाँ भी एक्सप्लोर करते कौन से एक्सप्लेन करी जहाँ भी से बुझी जहाँ भी बुझे कौन ना सेक्सप्लेन करेंगे सेटा आसा तुम कौन ना थर्ड स्टेज रे, ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट कौन आसा ना तुम फोर्थ नंबर स्टेज रे कौन ना एलाबोरेट, एलाबोरेट स्टेज रे कौन होगा ना ए जो जहाँ भी पिलाने जानते टीचर कौन करेंगे ना से आउ किसी एक्सट्रा इनफर्मेशन आड करेंगे आड करके कौन ना पिला बुझेबे। तो यहाँ कौ स्टेज आसा ना तुम एलाबोरेट स्टेज रे, ओके। लास्ट लास्ट स्टेज कौन आसा ना तुम इवालुएशन, तो टीचर कौन तरह प्रायर नलेज जानगले कि ना पिलार एति से आगु जानते एवं एलाबोरेट स्टेज में किसी नुआ इनफर्मेसन दिहला तो से नुआ इनफर्मेसन को पुराणा नलेज सहित कनेक्ट करते बेटर ताकि बुझी अंडरस्टाँंग क्रिटिकाल थिंकिंग रिजनिंग एबिलिटी केवलप होती तो सही तुम सब चेक कौन कराव ना तुम लास्ट स्टेज बा तुम इवालुएशन स्टेज रे। बुझा पड़ा समस्त को फाइव अप्रोचेस,
ओके तो 5B अप्रोच एसर तुम्हारे इंट्रोड्यूस किए करते ना तुम्हारे रोगर बाइबी नेक्स्ट तुम्हारे स्टेजेस गुड़ा कौन कौन होगा समस्त लिखि कौन ना तुम्हारे एंगेज एक्सप्लोर एक्सप्लेन एलाबोरेट एंड इवैल्यूएशन ओके दिस आर ऑल इंपोर्टेंट पॉइंट्स तुम्हारे कौन ना कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच एंड एक्टिविटी बेस्ड रो तुम्हारे सब गुड़ा आम इन डिटेल्स डिस्कसन करदेलु तो आज आम कौन डिस्कसन कम्प्लीट होगा ना आज आम यूनिट टू पूरा इन डिटेल्स डिस्कसन कम्प्लीट होगा हार्डली तुम्हारे तीन टा क्लास तीनटा कि चारिटा क्लास मैक्सिमम मैक्सिमम चारिटा क्लास रे तुम्हारा मेट पेडागोजी पूरा कंप्लीट हो देन आम ओनली एमसीक्यू ही प्राक्टिस करवा कारण तुम जहाँ भी तुम 16 मार्क्स रो क्वेश्चन मैंने कौन क्वेश्चन अच्छे मैंने पेडागोजी रू मेट पेडागोजी रू तो तेणुक ना भी तुम इंपोर्टेंट रोल प्ले कर ठीक ठीक अच्छे आज क्लास तुम यूनिट टू कंप्लीट होगा नेक्स्ट क्लास में आम यूनिट थ्री स्टार्ट करदे ओके यूनिट थ्री रन चार सरीगले सरला कथ आज क्लास ये कम्प्लीट है जो मैंने भी चैनल रे नुआ छो चैनल को सब्सक्राइब कर दबो आउ ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दबो आउ टेलीग्राम ग्रुप रे भी जॉइन कर जीवो टेलीग्राम ग्रुप रो लिंक तमन को वीडियो रो डिस्क्रिप्शन रे मिल जीवो ओके आशा करू छी आज क्लास टा समस्त को भल लागी छी ओ हेल्पफुल मध्ये रही छी तेबे निश्चय चैनल को सब्सक्राइब करबो ओ सांग मान को सहित शेयर करबा सो लाइक टे मध्ये करबो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।